द्रौपदी की सुहाग रात। दोस्तों, महाभारत में पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद के उसी यज्ञ हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र के साथ द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। दोस्तों, द्रौपदी की सुहाग रात का यह प्रसंग बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ध्यान से सुनें। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें ब्राह्मण के भेष में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांचों पांडव भाई जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते थे, उसे मां कुंती के सामने रख देते थे। फिर उनकी मां कुंती भिक्षा को पांचों में बराबर बराबर बांट दिया करती थी। दोस्तों, इसी प्रकार अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आए और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पर घर का काम कर रही कुंती ने उनकी तरफ देखे बिना ही यह कह दिया कि पांचों भाई जो भी लेकर आए हो उसका उपभोग करो। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि कुंती सहित पांचों पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुँह से निकली हर बात को आदेश की तरह पालन करना अपना धर्म समझते थे। इसी कारण अपनी माँ के मुँह से निकले इन शब्दों को लेकर पांचों भाई चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वह भी बड़ी विचलित हो गईं। देवी कुंती आश्चर्य में पड़ गईं कि मैंने यह क्या बोल दिया। तब उनको एहसास हुआ, तब कुंती अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। दोस्तों, जब किसी से भी इसका कोई रास्ता नहीं निकला, तो जब इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो इस बात से राजा द्रुपद बड़ी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी भी स्त्री के पांच पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। तब महर्षि व्यास राजा द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव शंकर से ऐसा ही वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है और भगवान शिव की बात गलत कैसे हो सकती है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ ही अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम से हुआ और उस रात द्रौपदी भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पति के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। दोस्तों, इसके पीछे भी भगवान शिव शंकर का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी के पांच पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वे यह भी जानते थे कि द्रौपदी अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाएगी। इस कारण उन्होंने द्रौपदी को साथ में यह भी वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन स्नान करते ही कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी, परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में
किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी, तब उसके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। तो यह थी महाभारत से जुड़ी पौराणिक कथा। तो जाते जाते दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि यह जीवन एक समुद्र की तरह है, बिना समझ के पूजा पाठ व्यर्थ है। समुद्र वही है पर कोई मोती ढूंढ कर लाता है और कोई पैर गीला करके आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान गंगोत्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।